फिशरमैन परहैप्स, शायद एक मछुआरा है। सदाओ शहर सदाओ ने कहा, वास्ट फ्रॉम हिज बोट, जो कि अपनी नाव से बहकर आ गया। ही रेन क्विकली डाउन द डोर स्टेप एंड बिहाइंड हिम, वह जल्दी से दौड़ता है, वह जन्नी सीढ़ियों के नीचे दौड़ा और उसके पीछे पीछे बिहाइंड हिम हाना केम, हाना आ जाती है। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, और उसके जो उसके पीछे पीछे हाना आ गई और अपने चौड़े जो बाहें हैं, उसके जो कपड़ा पहन रखा था उसकी जो बाहें वो लहरा रही थी। ए माइल्स और टू अवे ऑन अदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, बट हियर वॉज ओनली द बियर एंड ओनली कोस्ट डेंजरस विद रॉक्स, और वहां से दोनों ओर एक या दो मील पर मछुआरों के गांव थे, लेकिन यहाँ तो केवल एकांत समुद्री किनारा था, खतरनाक चट्टानों वाला। द श्रब बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक विद रॉक्स, और बताया कि बीच पर जो बीच है उसके ऊपर समुद्री लहरों के झाग को चट्टाने वो चीरती थी। Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. बताया कि किसी तरह से वह आदमी उन तक आने में कामयाब हो गया, वह जरूर बुरी तरह से घायल था। They saw him, they came towards him. That injury was so. जब वे उसकी तरफ गए, उन्होंने देखा कि वास्तव में ऐसा ही था। The sand on one side of him had already a stain of red shock throw. और बताया कि उसके एक तरफ रेत पर पहले से ही एक लाल धब्बा हो चुका था, जो बिल्कुल एकदम भीग चुका था, शोक मतलब गीला हो गया था, पूरी तरह से खून से तर हो गया था। He is wounded. सदाव एक्सक्लेम, सदाव चिल्लाया कि यह तो क्या है, यह घायल है। सदाव ही मेड हेस्ट टू द मैन हु ले मोशनलेस हिज फेस इन द सैंड, और उसने सदाव ने जल्दी से उस आदमी की ओर में गया जो रेत पर अपना चेहरा डाले एकदम निर्जीव होकर गिरा हुआ था। An old cap stuck to his head, soaked with water sheet. और समुद्री पानी में भीगी एक टोपी उसके सिर पर थी। He was in wet rags of garments. वह उसके गीले कपड़े चिथड़े चिथड़े हो चुके थे। सदाव स्टॉप, सदाव रुका। हाना एट हिज साइड, हाना है वो उसकी बगल में थी। And turned the man's head, और उसने आदमी का चेहरा उसे पलटा। They saw the face, उन्होंने चेहरा देखा। A white man, एक गोरा आदमी। हाना विस्पर्ड, हाना है वह फुसफुसाती है, धीरे से बोलती है। Yes, it was a white man, हाँ ये एक सफेद आदमी था। The wet cap fell away and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow brick. और बताया कि और उसने वह समुद्री टोपी जो समुद्र के अंदर समुद्री पानी में भीगी एक टोपी है उसके सिर पर थी, और उसके गीले कपड़े चिथड़े हो चुके थे। सदा उसके बगल में जा बैठता है और वो देखते हैं कि एक गोरा आदमी है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये गोरा आदमी है, उसकी गीली टोपी गिर गई और उसके बाल है जो गीले और पीले थे, लंबे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से कई सप्ताहों से वो काटे नहीं गए थे, और उन्होंने उसके युवा और टॉर्चर मतलब पीड़ित जो चेहरे हैं उसके ऊपर एक झाड़ीदार मतलब एक उलझी हुई पीली दाढ़ी को देखा, पीली दाढ़ी थी। He was unconscious and knew nothing that they did for him. वह बेहोश था और उन्होंने जो कुछ उसके साथ किया उसका उसे कुछ पता नहीं था। Now Sadao remembered the wound and with his expert fingers he began to search for it. अब सदाओ को घाव का ध्यान आया और उसकी कुशल उंगलियों ने वह उसकी खोज करना शुरू कर दिया, घाव की खोज करना शुरू कर दिया। Blood flowed freshly at his touch. जैसे ही उसने छुआ, छूने से खून फिर से बहने लगा। On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. और जब उसने सदाओ ने देखा कि उसकी कमर के दाएं भाग के नीचे बंदूक की गोली का जख्म फिर से खुल गया है। The flesh was blackened with powder. और बारूद के कारण, पाउडर के कारण जो उसका जख्म है बिल्कुल काला मांस है, वो काला पड़ गया था। Sometime, not many days ago. ये कुछ समय पर कुछ दिन का नहीं था, ये कई दिनों का था, मतलब कभी बहुत दिन न हुए होंगे, ज्यादा दिन की बात नहीं थी। The man had been shot and had not been tended. और इस आदमी को गोली लगी है और इसका इलाज है वो नहीं किया गया है। It was bad chance that the rock had struck the wound.
और यह बुरा संयोग था कि चट्टाने घाव से टकरा गई थी, चट्टाने घाव से टकरा गई थी। ऑन हाउ ही इज ब्लीडिंग, हाना हाना ने कहा कि अरे ये इसका जो खून है, इसका खून है वो बह रहा है। हाना विस्पर्ड अगेन इन ए सोलेम वॉइस, हाना एक गंभीर आवाज में धीरे से फिर से बोलती है, द मिस स्क्रीम देम नाउ कम्प्लीटली एंड स्क्रीम देम नाउ कम्प्लीटली एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन केम बाय। बताया कि अब धुंध ने उनको पूरी तरह से ढक लिया था और दिन के इस समय कोई वहां से नहीं गुजरा। द फिशरमैन हैड गोन होम एंड इवन द चांस बिग कॉम्बर्स वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट एन एंड, मछुआरे घर जा चुके थे, बीच पर चीजें तलाश करने वालों ने दिन खराब समझा होगा। What shall we do with this man? सदाव मटर, सदाव है वो कहता है, सदाव ने यहाँ बुड़बुड़ाया, सदाव कि हम इस आदमी के साथ क्या करेंगे। But his trained hand seems of their own will to be doing what they could to stanch the fearful bleeding. और बताइए परंतु उसकी निपुण उंगली है अपने आप ही वह सब करती हुई प्रतीत हो रही थी जो कि उस तेज रक्त के भाव को रोकने के लिए कर सकती थी। He packed the wound with the sea moss, उसने क्या किया, उसने घाव को जो समुद्र की जो काई है उससे ढक दिया। That stripped the beach, जो कि किनारे के ऊपर बिखरी हुई थी, बिखरी पड़ी थी। The man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. वह आदमी है अपनी मूर्छा में ही कह रहा है परंतु जागा नहीं। The best thing that we could do would be to put him back in the sea, Sadhav said, answering himself. सबसे सही चीज जो हम कर सकते हैं वो यह होगा कि हमें इसको वापस समुंदर में फेंक देना चाहिए, सदाव ने खुद को कहा, खुद को जवाब देते हुए बोलता है। Now that the bleeding was stopped for the moment and he stood up and dusted the sand from his hands. अब जबकि फिलहाल खून का बहाव रुक गया, वह खड़ा हुआ और अपने हाथों से रेत साफ करने लगा। Yes, undoubtedly that would be best, Hana said steadily. हाना ने हाँ निसंदेह ठीक रहेगा, हाना ने दृढ़ता से कहा। But she continued to stare down the motionless man. परंतु वह लगातार उस motionless मतलब उस निर्जीव पड़े हुए आदमी की तरफ, बेहोश आदमी की तरफ देखती रही। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested and if we turn him over as a prisoner, he would certainly die, Sadhav said. Sadhav ने कहा, यदि हम इस गोरे आदमी को अपने घर में शरण देंगे तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और यदि हम इसको एक कैदी के रूप में अगर हम सेना को भेज देते हैं तो अवश्य ये मर जाएगा। The kindest thing would be to put him back into the sea, Sahana said. सबसे अच्छी बात यह, सबसे दयालु चीज ये होगी कि इस आदमी को वापस समुंदर के अंदर ही फेंक देना चाहिए, हाना ने कहा। But neither of them moved, परंतु उनमें से कोई भी नहीं हिला। They were staring at the precious reflection upon the inert figure, और उसने उनमें से कोई भी नहीं हिला। वे उस जड़ आकृति को एक अजीब दृष्टि से देख रहे थे, अजीब दयालुता की दृष्टि से देख रहे थे। What is he? हाना whispered. वह कौन है? हाना है फुसफुसाई. There is something about him that looks American, Sadhav said. सदाव ने कहा, इसमें कुछ ऐसा है जिसे मैं अमरीकन लगता है. He took up the battered cap, और उसने उसकी फटी हुई टोपी है उसे उठाया. Yes, they are almost gone was the faint glittering a sailor, he said from an American warship. और बताया कि हाँ मैं लगभग मिटे हुए हल्के से अक्षर थे एक नाविक, उसने कहा किसी अमेरिकन युद्ध पोत से है, जो अपने अक्षर है वो पढ़ता है वो। He spelled it out, और अक्षरों को पढ़कर बताता है, US Navy. The man was a prisoner of war, यह जो आदमी है यह एक युद्ध बंदी था। He had escaped, यह भाग कर आया है, हाना cried softly, हाना ने धीमे से आवाज में कहा, and that is why he is wounded, और इसी कारण घायल हो गया है। In the back, सदाव agreed, और बताया कि पीठ में सदाव सहमत हुआ। They hesitated, looking at each other, वे हिचकिचाए और उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। Then हाना said with resolution, और फिर निश्चय के साथ हाना बोली, Come, are we able to put him back into the sea? आओ, क्या हम उसे वापस समुद्र में डालने में समर्थ है? If I am able, are you? सदाव asked. अगर मैं ऐसा कर सकूं, क्या तुम कर सकोगी? सदाव ने पूछा. No, हाना said. नहीं, हाना ने कहा. But if you can, do it alone. परंतु तुम ये काम अकेले कर सकते हो. Sadhav hesitated again. सदाव दोबारा फिर से हिचकिचाया. The strange thing is,
विचित्र बात यह है, he said, मैं बोला, that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. और उसने कहा कि विचित्र बात यह है, अगर मैं आदमी स्वस्थ होता तो बिना किसी मुश्किल के उसे पुलिस को सौंप देता. I care nothing for him. मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है. He is my enemy. यह मेरा दुश्मन है, शत्रु है. All Americans are my enemy. सभी अमेरिकन मेरे दुश्मन है, शत्रु है. And he is only a common fellow. और यह तो केवल एक साधारण व्यक्ति है. You see how foolish his face is. तुम देखो इसके चेहरा है वो कैसा मूर्ख लगता है. But since he is wounded. और क्योंकि यह घायल है. You also cannot throw him back to the sea. Hana said. हाना ने कहा तुम भी उसे समुद्र में नहीं फेंक सकते हो. Then there is only one thing to do. तो फिर एक ही काम है जो हमें करना है. We must carry him into the house. हमें इसे उठाकर घर के अंदर ले जाना होगा. But the servant Sadao inquired. पर सदाव ने पूछा, लेकिन नौकर क्या कहेंगे, नौकरों के बारे में क्या होगा. We must simply tell them that we intended to give him to the police, as indeed we must, Sadao said. सदाव ने कहा, उन लोगों को हम स्पष्ट रूप से बताना होगा कि हमारा इरादा उसे पुलिस को सौंपने का है, जैसा कि हम सचमुच हमें करना चाहिए. We must think of children and your position. सदाओ, हमें तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के बारे में और तुम्हारी पोजीशन के बारे में भी सोचना चाहिए. It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. और बताया कि और अगर हमें इस हमने इस व्यक्ति को युद्धबंदी के रूप में पुलिस के हवाले नहीं किया तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे. Certainly, निसंदेह, सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत हो जाता है. I would not think of doing anything else. मैं भी कुछ और करने के बारे में नहीं सोच सकता. दस एग्रीड, इस प्रकार सहमत होकर, टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों ने मिलकर उस आदमी को उठाया. ही वॉज वेरी लाइक ए फॉल दैट हैड बीन हाफ स्ट्रवर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज ओनली फीदर्स एंड स्केलेटन. बताया कि वह एक बहुत ही हल्का था और ऐसा पक्षी की तरह था जिसे लंबे समय तक आधा पेट भोजन ही मिला हो और अंत में सिर्फ पंख और उसकी हड्डियों का ढांचा ही रह गया हो. So his arms hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house. अंत उसकी लटकती हुई बाजुओं के साथ उसे सीढ़ियों और बगल के दरवाजे से निकाल कर वो ले आए. This door opened into the passage and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. बताया कि और उसके बाद यह दरवाजा एक बरामदे में खुलता था और बरामदा पार करके वे उस व्यक्ति को एक खाली पड़े शयन कक्ष में बेडरूम के अंदर ले आए. इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड. यह जो शयन कक्ष था सदाओ के पिता का था और उनकी मृत्यु के बाद से इसे प्रयोग नहीं किया गया था. दे लेड द मैन ऑन द deeply matted floor. और उन्होंने उस आदमी को मोटे गलीचे वाले फर्श के ऊपर, कालीन वाले फर्श के ऊपर लिटा दिया. Everything here had been Japanese to please the old man who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. और बताया कि इस कमरे के अंदर प्रत्येक जो चीज थी उस आदमी को बूढ़े आदमी की खुशी के लिए, यहाँ हर वस्तु जापानी थी क्योंकि वह अपने घर के अंदर न तो कभी किसी कुर्सी पर बैठा था और न ही किसी विदेशी बिस्तर के ऊपर वह सोया था. हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड्स एंड स्लाइड बैक ए डोर एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्वायर. हाना है दीवार में लगी अलमारियों तक गई और एक दरवाजा खोलकर एक नरम कंबल है वह निकाल कर लेकर आई. She hesitated, वह हिचकिचाई. The quilt was covered with flowered silk and the lining was pure white silk. वह हिचकिचाई. वह कंबल है रेशमी फूलों की कढ़ाई से सजा हुआ था और उसका जो अस्तर है वह सफेद सिल्क का बना हुआ था. He is so dirty. वह इतना गंदा था. She murmured in distress. वह परेशानी से बड़बड़ाई. Yes, he had better be washed. सदाव एग्रीड, सदाव सहमत हो गया कि हाँ इसे साफ कर लेना चाहिए. If you will fetch hot water, I will wash him. अगर यदि तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं इसे साफ कर सकता हूँ, मैं इसे साफ कर दूंगा. I cannot bear for you to touch him, she said. मैं कहती है कि मैं सहन नहीं कर सकती कि तुम इसे छुओ. We shall have to tell the servants he is here. हमें नौकरों को बताना पड़ेगा कि वह यहाँ पर है. उसके बारे में he is here मतलब he किसके लिए, उस युद्धबंदी के लिए. I will tell Yumi now. अब मैं जाकर Yumi को बताती हूँ. She can leave the children for a few minutes and she can
वो सिंह, वह कुछ समय के लिए, जो कुछ मिनटों के लिए मैं बच्चों को छोड़ देगी और वह धो देगी। सो दैट कंसीडर्ड ए मोमेंट, लेट्स एक